हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका स्वागत है। और अभी फाइनली एक वीडियो डाली है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से रिलेटेड। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं विद इन अ फ्यू टाइम। तो इसलिए यहाँ पर मैंने तो पोजीशन बना लिया, आप अपने हिसाब से स्टडी करके लीजिएगा। बाकी यहाँ पर एक प्लेलिस्ट दे रखी है, ओके। एंड यहाँ पर अपनी सहूलियत के हिसाब से आप यहाँ पर मतलब वीडियोस को देख सकते हैं। इन एक एक वीडियो को देखिए तो अच्छी खासी नॉलेज आ जाएगी। और एक बात और कि यहाँ पर कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होती, सिंपली यहाँ पर आपको स्टडी करके दिखाई जाती है और आपको बताया जाता है कि इस तरीके से आप स्टॉक मार्केट के बारे में जान सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो आज की डेट की अगर बात करें तो आज की डेट में एक वीडियो है जो जिसके रिलेटेड हम बातें करने जा रहे हैं, पॉली मेडिक्योर। पहले मेडिकोर की अगर बात करूं तो देखिए शेयर इतना गिर चुका है, ये इसलिए बना रहा हूं, देखिए ऑलरेडी पहले ही बनाई है कुछ दिन पहले ही, तो ये शेयर इतना गिर गया है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का, अगर बात करूं बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने भी ले रखा है और वो भी इस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं क्योंकि शेयर प्राइस कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है और उन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी अपर लेवल पर खरीद रखी है और जब 900 के आसपास आ गया है तो बहुत ज़्यादा बिकवाली आ गई है। और अब क्या है कि अब तो शेयर जितना गिरना था गिर लिया, ओके। अगर मार्केट और गिरती है तो शायद गिरे, वरना यहाँ से ऊपर ही जाना है। तो इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि पैनिक में मत बेच देना, यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करने का मौका है, ना कि पैनिक में शेयर बेचने का। इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कल की डेट में भी काफी सारी वीडियोस बनाई थी, आज की डेट में वो शेयर भागते हुए दिखाई देते, स्टिल यहाँ पर मार्केट गिरी हुई थी, तब की बात कर रहा हूँ। और अगर बात करें वीडियो में आगे बढ़े, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आज से रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे, और दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करें, उन्हें भी उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी सीख सके, वो भी लोग भी मार्केट में आ सके, अच्छा खासा पैसा कमा सके। तो देखिए पॉली मेडिक्योर की अगर बात करूँ आज के दिन में लगभग लगभग 4% के आसपास ये शेयर गिरता हुआ नजर आया है। बट अगर बात करूँ 5 डेज की, देखिए शेयर गिर रहा था बट तुरंत ही उठ भी रहा था। अगर आज के दिन की भी बात करें तो यहाँ पर शेयर इसी प्राइस में आया, ऊपर तक आया, फिर उसके बाद गिरता हुआ नजर आया। 5 डेज पहले भी ये जब शेयर गिरा था, ओके, इस लेवल पर आ गया था, फिर उसके ऊपर उठ गया था। फिर आज कल के दिन में भी अगर मार्केट सही रहा तो दोबारा ये 950 तक जाने की पूरी इसके चांसेस हैं, ओके, ये शेयर नहीं रहने वाला। देखिए अब क्या हो रहा है कि शेयर का प्राइस इतना गिर गया है और जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स है या फिर जो भी जिनके पास भी ये शेयर है, तो उन्होंने किस लेवल पर ले रखा है, अगर बात करूं यहाँ पर उन्होंने ले रखा है इस लेवल पर, इसके ऑल टाइम हाई पे ले रखा है 1165 रुपए पर। तो अभी जब 1165 रुपए से इतनी गिरावट हो चुकी है, लगभग 30-35% ये शेयर गिर चुका है। तो मुझे क्या लगता है कि काफी लोगों ने यहाँ पर शेयर या तो बेच दिए होंगे या फिर जिन्होंने बेचे नहीं होंगे उनके लिए स्पेशल वीडियो है कि अब बेचने की गलती मत करना, ओके। आपको जितना लॉस होना था हो गया, अब कवर अप करने का मौका है और बाय ऑन डिप्स करने का मौका है। जब इतना 30% शेयर गिर चुका है ना लगभग, तो आपको ऐसे में शेयर खरीदना चाहिए। देखिए मैंने भी ये लिया था, ओके, मैंने ये पहले 1000 के आसपास लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1000 के आसपास लिया था। फिर उसके बाद ये शेयर देखिए भागा भी था, मैं उस टाइम बेचने ही वाला था बट सडनली यहाँ पर एक गिरावट आ गई, बट कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जब हम एक महीने एक शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया था मैंने भी, और अभी जो है ये शेयर जितना गिर रहा था अब गिर दिया, अब ऊपर ही जाना है इसे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिर चुका है। प्लस में हमें बस वेट करने की ज़रूरत है इसके जब नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे। और ये शेयर देखिए करता क्या है, पहले मैं आप इससे रिलेटेड बातें बता देता हूँ। तो देखिए ये शेयर भागा क्यों था, इसके भागने की वजह ये थी क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है जो COVID-19 में जो आप चेकअप कराते हो उसमें यूज होते हैं। तो देखिए COVID-19 अभी अभी केसेस कम आ रहे हैं बट स्टिल अभी भी 60,000 के आसपास केसेस आ रहे हैं, तो चेकअप तो देखिए कंटिन्यूसली चल ही रहा है और चलता रहेगा, ओके, हर एक स्टेट में चलता रहेगा। तो देखिए प्रोडक्ट अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं बिकेगा तो ऐसी कोई बात नहीं है। और बात करूं ये अब मार्च तक के रिजल्ट आए हैं, बट मार्च के बाद अप्रैल में यहाँ पर कोविड का ग्राफ ना बहुत ऊपर था, तो इस बार के जो रिजल्ट आएंगे ना और बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। और यहाँ पर अगर बात करें इसके भी छोड़ दे तो यहाँ पर अगर हम इसका ऑल टाइम हाई का अगर यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखते हैं ना,
तो कंपनी एक दायरे में डेफिनेटली चली है, बट अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न भी दिए है कंपनी ने। और यहाँ पर अगर बात करूँ, कंपनी ने 3 बार बोनस भी दिया है, 2010 में दिया, 2013 में दिया, 2017 में दिया। तो 3 और 4 साल के गैप में कंपनी यहाँ पर बार बार बोनस भी देती आ रही है। फिर दोबारा कंपनी को 4 साल हो गए, तो कभी भी यहाँ पर अगर बात करें, या मार्च या जुलाई में ही यहाँ पर बोनस अनाउंस करते हैं। तो शायद कमिंग मंथ के जब रिजल्ट आएंगे, जो कमिंग रिजल्ट है, तो उसमें शायद यहाँ पर ये दोबारा एक बार बोनस अनाउंस करते हैं। और दोबारा और अब तो जो शेयर का प्राइस है ना, वो शायद और ऊपर ऊपर की तरफ चल रहा है, और बोनस अनाउंस करते ही साथ ये शेयर फिर भागता हुआ नजर आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, चलो बोनस भी नहीं देता, तब भी रिटर्न देखिए, अच्छे खासे इसने रिजल्ट रिटर्न दी है। और थोड़ा सा अगर बात करें बोनस की वजह से, यहाँ पर काफी बार बार ये शेयर नीचे भी आया है, बट स्टिल प्राइस का एडजस्टमेंट उसी हिसाब से हुआ है। और इसके जो प्रोडक्ट है ना, कोविड को भी छोड़ दो तो वैसे भी यूज होते हैं। अगर बात करें ऑन्कोलॉजी, इन्फ्यूजन थेरेपी, कोई भी ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर जो ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया जाता है, ब्लड चढ़ाया जाता है, वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर ये कंपनी बेचती हुई नजर आती है। डायलिसिस, रेस्पिरेटरी केयर, एज वेल एज यहाँ पर देखिए गैस्ट्रोलॉजी जो भी है, यूरोलॉजी, यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स, ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम हो गए, यहाँ पर ये कंपनी ये सारे प्रोडक्ट्स बेचती हुई नजर आते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ना, हर बार यूज होते ही होते हैं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर बात करूँ कोविड, तो यहाँ पर देखिए कोविड केयर से रिलेटेड भी ये प्रोडक्ट्स बेचती हुई नजर आती है। मास्क और इसी टूल किट से यहाँ पर चेकअप भी होता है, फेस प्रोटेक्शन शील्ड, तो ये प्रोडक्ट्स एज वेल एज यहाँ पर इतने सारे प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स यूज होने ही होने हैं, और ये इसमें लीडिंग है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। एज वेल एज अगर बात करें, इसके रिजल्ट सबसे हाईएस्ट एवर रिजल्ट आए थे, 1165 रुपए पे शेयर 24 मई को था। आज के दिन में अगर बात करें, 1 महीना भी नहीं हुआ, उससे पहले ही ये शेयर कम से कम 30% टूट चुका है। और इसमें ऑपरेटर बहुत खेलते हैं, जब डराते हैं वो इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स उसमें घबरा के शेयर को बेच देते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये शेयर आपको अच्छा खासा गेन दे सकता है। ओके, एज वेल एज यहाँ पर बात करें, देखिए 44.88% की होल्डिंग प्रमोटर्स की, उनमें से कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है, तो ये इस चीज को थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है बस। ओके, यहाँ पर अगर हम और भी चीजों की बात करें, तो यहाँ पर इसके यहाँ पर बात कर लेते हैं, द कंपनी इज अ टॉप एक्सपोर्टर ऑफ प्लास्टिक मेडिकल डिस्पोजेबल सर्जरी आइटम्स। तो देखिए टॉप एक्सपोर्टर भी है, इस चीज को ध्यान दीजिए। अभी तक ये शेयर देखिए लोगों की निगाहों में नहीं था, तो इसलिए शेयर ज्यादा चलता नहीं था। यहाँ पर एक फ्लैट रेंज में यहाँ पर काम है। जब लोगों की निगाहों में आया, जब ये प्रोडक्ट्स ऐसे बनाने लग गया, जब पता चली ये प्रोडक्ट यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली बात है ये कंपनी अवेलेबल है शेयर में, तो यहाँ पर बाइंग आनी शुरू हुई और ये शेयर ने अच्छी खासी रैली बनाई है। और अच्छी खासी रैली बनाने के बाद अगर ये शेयर थोड़ा सा टूटता भी है, तो मुझे नहीं लगता कोई इसने गुनाह कर दिया है। ओके, लगभग 400% के गेन देने के बाद यहाँ पर अच्छा थोड़ा बहुत यहाँ पर गिर चुका है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और ये शेयर आपको अभी बेचने की गलती मैं तो नहीं करने वाला, एटलीस्ट मार्केट कैपिटल की बात करें, स्मॉल कैप कंपनी है। देखिए भाग, स्मॉल कैप कंपनी का क्या रोल होता है, वो भागती भी ऐसी है जैसे इस तरीके से भागी है, और गिरावट भी दी है, तो देखिए 1 महीना नहीं हुआ, 30% से ज्यादा गिर चुकी है, तो इस चीज को समझने की जरूरत है। और बाकी आपको क्या करने की जरूरत है, हमारी वीडियोस देखने की जरूरत है, उससे सीखने की जरूरत है कि कभी भी शेयर जब टॉप पे चल रहा हो ना, तब नहीं लेना चाहिए। कोई नहीं, आपका प्रॉफिट नहीं होगा, चलेगा, बट आपका लॉस नहीं होना चाहिए। ओके, मैंने लिया था 1000 के लेवल पर, कोई नहीं 100 रुपए नीचे आया है, बट आपने लिया है 1200 के लेवल पर और वो 300 रुपए नीचे आ गया, तो धक धक होती है, नो इशू, बट अभी बेचने का कोई मौका नहीं है। मैंने यहाँ पर बाय ऑन डिप्स, हर एक डिप पे मैंने खरीदा है, आप भी सकते हैं इस चीज को। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही करना। और डेट की बात करें, कोई डेट नहीं है इस कंपनी पे, 21% के आरओसी पे कंपनी काम करती है, तो हर चीज में यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर पिछले सभी क्वार्टर में आ रहा है, और कंसिस्टेंसी है, ऐसा भी नहीं है कि अभी है, देखिए हर एक क्वार्टर में अच्छे खासे रिजल्ट यहाँ पर पेश करे, एक आध क्वार्टर को छोड़ के। ईयरली बेसिस की बात करें, 134 करोड़ की सेल्स यहाँ पर पिछले 10 साल 11 साल में 747 करोड़ की सेल्स में तब्दील हो चुकी है, लगभग 7 टाइम्स यहाँ पर, 6 टाइम्स यहाँ पर सेल्स बढ़ चुकी है, तो थोड़ा इस चीज को समझने की जरूरत है। हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। रिजर्व्स देखिए, अच्छे खासे रिजर्व्स है, ना के बराबर अगर बात करें 94 करोड़ रुपीज की यहाँ पर बोरिंग है, मतलब 100 करोड़ की बोरिंग तो इन्होंने इस साल के अंदर अंदर चुका दी है। रिजर्व 49 करोड़ से लेकर 900 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बात करें, कंपनी फिक्स एसेट बढ़ रहा है, मतलब कंपनी एक्सपेंडिचर यहाँ पर
खर्च कर रही है, तो जब यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कंपनी और बनाती हुई नजर आएगी फ्यूचर में। 385 करोड़ रुपीज का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कैश इक्विवेलेंट अच्छा खासा, ट्रेड रिसीवेबल अच्छा खासा आ रहा है, जो भी पैसा आता है यहाँ पर बुक में दिखाई देता है। और ऐसा कोई साल नहीं गया जहाँ पर इनकी इंक्रीमेंट ना हुई हो बुक वैल्यू में, कैश फ्लो में, एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर हाईएस्ट एवर यहाँ पर अभी कैश फ्लो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर बात करें आरओसी कभी भी 20 से नीचे नहीं गई, जो सबसे अच्छी बात है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 44.88% की होल्डिंग है, उन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है, कम नहीं करी। एफआईआईज की बात करें, एफआईआईज ने यहाँ पर अगर बात करें इस क्वार्टर में लगभग लगभग कितने परसेंट की, लगभग 7-8% की हिस्सेदारी यहाँ बढ़ाई है। डीआईएस ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है, यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ने घबरा के बेच दिया, और रिटेल इन्वेस्टर से किसने खरीद लिया, इन्होंने खरीद लिया। और रिटेल इन्वेस्टर के पास भी कितने परसेंट की होल्डिंग है, लगभग लगभग 10% की होल्डिंग है, ना के बराबर। और 10% में भी एचएनआईज होंगे यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर, ना के बराबर 2-4% ही होंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा समझ के अगर काम करेंगे ना, तो अच्छा खासा गेन कमाएंगे। बाकी अब बात करूं रियल फैक्टर की, देखिए ओवरसोल्ड और ओवरबोट एक चीज होती है, और जब यहाँ पर आरएसआई मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बता रखा है क्या कैसे रोल होता है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आई बटन पे लिंक दे दूंगा। तो जब भी यहाँ पर आरएसआई यहाँ पर नीचे आ जाती है ना, तो ओवरसोल्ड हो जाता है। ओवरसोल्ड का मतलब है कि कुछ ज्यादा ही बिच चुका है, और जब कोई चीज ज्यादा बिच जाती है ना, तो उससे ज्यादा खरीदा भी जाता है, याद रखिएगा। तो जब जब यहाँ पर नीचे आया है ना ये शेयर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे आया है, यही नहीं और भी किसी भी शेयर का एग्जाम्पल ले लीजिए, जब तक ये 30 के आरएसआई के आसपास आया ना, फिर यहाँ पर खरीदारी शुरू हुई है, इस बात को थोड़ा सा याद रखिए। फिर दोबारा गिरावट हुई है, फिर दोबारा यहाँ पर खरीदारी शुरू होगी, और ये शेयर फिर दोबारा इस लेवल पर जाता हुआ दिखाई देगा। और आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने यहाँ पर शेयर को टॉप लेवल पर खरीदा है, जहां पर बेचा जाता है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर अगर अभी बात करें कितना परसेंट गिर चुका है, आज तो अच्छा खासा यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया था ये शेयर, आज के दिन के हिसाब से अगर बात करूं मैं, थोड़ा सा और नीचे आया था ये शेयर, यहाँ पर अगर हम देखते हैं टॉप से, तो लगभग 32% के आसपास ये शेयर गिर चुका है। और जब 32% के आसपास ये शेयर गिर चुका है, तो यहाँ पर खरीदने का मौका है। जब भी कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, जहां पर हाईएस्ट एवर रेवेन्यू हो, ईयरली क्वार्टरली बेस पे कंसिस्टेंसी हो, ईयरली बेस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल्स, नेट प्रॉफिट सब चीज ज्यादा आ रहा हो, एफआईआईज ने खरीदा हो, डीआईएस ने खरीदा हो, और इन्होंने खरीदा है, एफआईआईज डीआईएस ने खरीदा है, तो थोड़ा सा समझिए कि ये बेवकूफ तो नहीं है, इन्होंने भी शायद 1200-1100 के लेवल पे खरीदा हो इनके, तो इन्हें भगाना ही है, ये शेयर आज गिरा दिया है, कल की डेट में फिर भगाना है इन्हें। तो ये इन्होंने 8% की होल्डिंग बढ़ाई है, तो ये इसी मकसद से बढ़ाई है क्योंकि ये शेयर ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज को ऊपर। और यहाँ पर अगर देखें चार्ट पैटर्न, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शेयर ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर भागे जा रहा है, अच्छा खासा गेन यहाँ पर दे चुका है ऑलरेडी शेयर। यहाँ से अगर बात करें 2-3 महीने में बहुत बेहतरीन यहाँ पर शेयर बढ़ चुका है, अगर यहाँ पर से हम देखें तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो इसका ऑल टाइम हाई है, मतलब यहाँ पर देखिए लगभग लगभग 137% के रिटर्न यहाँ पर कितने दिन में, 106 दिन के अंदर अंदर इस कंपनी इसने दे दिया। तो थोड़ा इस चीज को देखिए, तो थोड़ा सा इस चीज को देख के अगर हम काम करेंगे, तो और शेयर अभी बात करें तो 31% गिरा हुआ है। तो अगर 137 में से 31% 32% ले लिए, तो कोई गुनाह नहीं कर दिया इसने, फिर भागता हुआ नजर आएगा। बाकी यहाँ पर ओवरसोल्ड हो चुका है, अब खरीदने का मौका है, और गिरता है बाय ऑन डिप्स करो। बाकी बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, घबरा के शेयर बेचने की जरूरत नहीं है, बाय ऑन डिप्स करने की जरूरत है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी डेफिनेटली करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।